गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 12th का चैप्टर चला हुआ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें हम जो है इफेक्ट हमारा चल रहा है कि इफेक्ट कल हमने किया था कि इफेक्ट्स ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन। ठीक है, आज का हमारा रहेगा इफेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये आज का हमारा इफेक्ट है। और दूसरा है इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे ट्रीट किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे। इसमें क्या होता है, होती हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन उसको हम ट्रीट कर देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, यानी कि उसको हम गलत ट्रीट करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, लेकिन इसको हम ट्रीट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे। तो एग्जांपल से समझेंगे, देखो फॉर एग्जांपल ए कार ऑफ ₹10,000 वाज परचेज ऑन विच डेप्रिसिएशन वाज 10% वाज चार्ज टू रेवेन्यू प्रॉफिट्स फॉर द ईयर स्टेटेड वाज ₹18,000। इसमें क्या होता है, आप एक कार खरीद रहे हो, ठीक है, ₹10,000 की कार। देखो आपके लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, इसका मतलब एसेट है, इसको हम किस में लिखना चाहिए, हमें इसको क्या समझना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और चार्ज टू रेवेन्यू, इसमें चार्ज टू रेवेन्यू का क्या मतलब है, चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब है ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो रोजमर्रा के आपके खर्चे हैं उसके जैसे हमने इसको ट्रीट कर लिया है। ठीक है, कार को है हमारी एसेट लेकिन इसको हमने ट्रीट कर लिया जो हमारे रोजमर्रा के जैसे कि डेली के जो एक्सपेंस है, ठीक है, उसकी तरह हमने इसको ट्रीट कर लिया है। दैट इज डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हमने क्या कर लिया, इसको जब हमने ट्रीट किया एज ए रेवेन्यू, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे इसके इसने इसको हमने ट्रीट किया, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्या कर दिया, एसेट को डेबिट कर दिया। लेकिन ये हमें डेबिट किस में करना था, ये हमारा बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होना था। ठीक है, बैलेंस शीट में लिखते हम एसेट को। ठीक है, तो देखो हमारी गलती कैसे हुई है, पहले तो रॉन्ग देखो कि हमारा गलत क्या हुआ। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, ठीक है, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मान लो आपको 30,000 का है। अगर आपको 30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है और आपका रेंट मान लो ₹2,000 है और आपने कार खरीदी ₹10,000 की, अब देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट साइड में लिख दिया, लेकिन ये है क्या हमारी एसेट है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अपने खर्चे लिखते हैं, जैसे रेंट है, सैलरी है, ये हमारे खर्चे हैं। ठीक है, तो इसको हमें एज ए एसेट ना यूज करके हमने इसको क्या कर लिया, एक्सपेंस समझ लिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया वो 18,000 आया, यानी जो आपको गिवन है ये 18,000 ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका जो नेट प्रॉफिट आया 18,000 आया। ठीक है, अगर आप सही तरीके से इसको करते तो देखो कैसे करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते और बैलेंस शीट बनाते। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे आप मान लो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 का, 30,000 का, रेंट आपका 2,000 का है, उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन गिवन है कि 10% आपकी कार के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन आपकी 10% है ₹1,000 की 10,000 पे। ठीक है, तो इसमें आपका नेट प्रॉफिट कितना आता, 27,000 का। और बैलेंस शीट में आप क्या लिखते हैं, आपने कार जो है वो परचेज की है, ये आपने यहाँ पे लिखी क्रेडिट साइड में 10,000 और इसमें से आपने डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे 1,000 की। ठीक है, तो इसमें देखो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा, जो आपने सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जो सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, उसमें देखो आपने जो डेप्रिसिएशन आपने वो करी है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 27,000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपने जब गलत ट्रीट किया है, जैसे आपने यूज ना करके एज एक्सपेंस आपने इसको यूज किया, तो इसका नेट प्रॉफिट आपका 18,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका देखो गलत है, क्योंकि आपको एज एसेट यूज नहीं करना था इसमें, तो आपका बिल्कुल सही जो है वो ये है। ठीक है, आपका ये नेट प्रॉफिट जो आना था वो 27,000 आना था, नहीं कि नेट प्रॉफिट आपका 18,000। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में आप इतना बड़ा करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो देखो एग्जाम में आपको कैसे करना है, ना ही तो आपको ये करना है, ना ही आपको ये करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आपने कैसे इसको ट्रीट किया है। ठीक है, तो देखो नाउ फॉर एग्जाम, मतलब कि फॉर एग्जाम के लिए एग्जाम में आपको कैसे करना है, आपको गिवन है प्रॉफिट,
ठीक है, तो गिवन प्रॉफिट आपका 18,000 है जैसे, ठीक है। फिर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको आप क्या करोगे, जो आपका 10,000 है इसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने ट्रीट किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, इसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 10,000 को, और जो आपकी डेप्रिसिएशन आपको गिवन है तो माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन ऑन अबव, मतलब कि ऊपर जो आपको गिवन है डेप्रिसिएशन उसको आप माइनस कर दोगे 1,000, यानी 18,000 प्लस 10,000 28,000 माइनस 1,000, तो 27,000 आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल प्रॉफिट, मतलब कि जो आपका करेक्ट प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट प्रॉफिट 27,000, देखो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है। इसी के जैसा ही हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है। नेक्स्ट इफेक्ट में क्या कह रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका उल्टा हो जाएगा वो, मतलब कि जो आपके रोजमर्रा के खर्चे थे उसको आपने एज ए एसेट यूज कर लिया अब, ठीक है, उसको आपने एज ए एसेट यूज कर लिया, जैसे रेंट है, पेन खरीदा या वह ऐसे कोई भी चीज खरीदी, तो आपने उसको एज ए एसेट यूज किया है इसमें, ठीक है। तो इसको देखो, इसका उल्टा हो जाएगा, आपको कंसेप्ट बता दिया गया कि कैसे आपको ट्रीट करना, तो देखो आपको गिवन प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आपको माइनस करना है इसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, उसके बाद प्लस करनी है आपको डेप्रिसिएशन जो आपको गिवन है वो, उसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, उसको क्या करना है आपको, प्लस करना है, उसके बाद आपका करेक्ट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आए, ठीक है। आज क्लास हमारी यहीं तक, थैंक यू।